आ रहा है अपने राज्य में लौट रहा है, तब तक क्या हुआ बीच में ही कि कौन मिल गई, मालविका, मालविका मिल गई, मालविका से इसको प्यार हो गया, किसको, अग्निमित्र को, मालविका, मालविका से इसको प्यार हो गया अग्निमित्र को। और ये सब बात अब बताइए, कालिदास यहाँ पर रुक जाए लिखना, नहीं इन्होंने रोका नहीं, ये सब बातें लिख दिए, कहाँ कहाँ ये कैसे इससे मिले, कैसे प्यार हुआ, सब चीज बात इसको लिख दिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 10। चैप्टर 10 बहुत अच्छा से हम लोग इसका भाग 1 बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे, ये है भाग 2। भाग 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 9 तक पूरा अच्छी तरह से चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया है, और उसका चैप्टर 9 तक पूरा मॉडल सेट भी हम दे दिए हैं। और एक बात समझिए, चैप्टर 9 जैसे ही अभी खत्म हुआ तो उसका मॉडल सेट भी भेज दिया गया टेलीग्राम ग्रुप में। अगर अभी तक आपने मॉडल सेट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से देख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी जाकर देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, अब एकदम बढ़िया से विस्तार से अच्छा से एकदम पढ़ेंगे इसको। शुंग कर्ण एवं सत्वाहन वंश, तो शुंग वंश का लगभग लगभग काम खत्म हो गया था, क्योंकि शुंग वंश में एक ही प्रतापी राजा हुआ, वो हुआ पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, थोड़ा शुंग वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, और बहुत सारे बच्चों को शुंग वंश के बारे में जो पिछला वाला देखे होंगे उनको पता भी होगा। चलिए शुंग वंश के बारे में थोड़ा सा रिविजन का कर लेते हैं, रिविजन करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे कौन वंश के बारे में। शुंग वंश थोड़ा देख लेते हैं, इसका जो संस्थापक था कौन था, पुष्यमित्र शुंग। इसने मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदरथ का काम खत्म कर दिया और खुद पुष्यमित्र शुंग अपने शुंग वंश की स्थापना किया। ये बहुत ही शक्तिशाली था, ठीक ठाक था शक्तिशाली, क्योंकि ये सेनापति भी था, ये बृहदरथ की सेना में सेनापति था, तो इसने अपने राजा बृहदरथ को मार दिया और खुद पुष्यमित्र शुंग बन गया राजा। जो पुष्यमित्र शुंग था यानी शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, खुद ये ब्राह्मण धर्म से था, कौन सा, ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, यानी कि ये वैदिक कर्म कांडों में विश्वास रखता था, और ये जो बौद्ध धर्म का सख्त विरोधी था, एकदम देखना नहीं चाहता, होता है ना तुम्हें नजर के सामने देखना नहीं चाहते, यही वही हाल था इसमें इसका, ये बौद्ध धर्म को बिल्कुल देखना नहीं चाहता था, और बौद्ध धर्म के 84,000 स्तूपों को तोड़वाने की जिम्मेवारी भी इनको इनके ही था, ये 84,000 स्तूप तोड़वा देते, समझ लीजिए बौद्ध धर्म का। हम माना जाता है ये कैसे पता चलता है कि 84,000 स्तूप तोड़वाए, कोई समय बचा हुआ है कि बोला है, हाँ पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूप तोड़वाया था, नहीं, ये दिव्य दान में मिलता है, दिव्य दान एक बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, दिव्य दान में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने इतना विरोधी हो गया था कि पुष्यमित्र शुंग जो है उसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया था, और 2 बौद्ध स्तूप को इसने पुनर्निर्माण करवाया था, जिस पुनर्निर्माण मतलब खराब हो गया होगा उसको निर्माण करवाया था, अंत में शायद इसको हुआ होगा ये ना, अंत में इसको पछतावा हो गया होगा, तो इसने 2 सांची और भरहुत के स्तूप को पुनर्निर्माण करवा दिया। पुष्यमित्र शुंग जो था इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इसका बेटा का नाम था अग्निमित्र, ये तो पता है। 2 विदेशी आक्रमण भी हुए थे इसके समय, हाँ, एक अपने ही यहाँ पर देखिए, इसको पहचानते हैं, इसको बहुत बढ़िया से पहचानते होंगे आप, बहुत बढ़िया से, इसको कालिंग, कालिंग को पहचानते ना, कितना ताकतवर है, देखने में छोटा था उड़ीसा में कालिंग, लेकिन एकदम ताकत से भरा हुआ था, ताकत से भरपूर। इसने युद्ध किससे कर लिया, कालिंग से, कालिंग का राजा कौन था, खारवेल, खारवेल ने जम के धुनाई कर दिया इनके, जैसे रुआ धुना जाता है ना, रुआ धुना जाता है, उड़ता है रुआ, ठीक वैसे इनका धुनाई कर दिया, किसका, पुष्यमित्र शुंग का। कालिंग का राजा कौन, खारवेल, और एक बड़ा सा, हाँ, एक गुफा ये लिखवाया, बड़ा सा एक अभिलेख लिखवाया, जिसका नाम क्या रखा, खारवेल ने एक जब जीतने के बाद, इससे पुष्यमित्र शुंग बड़ा राजा था, अब बड़ा राजा से जीतेंगे तो पूरा ढिंढोरा पीटेंगे ना जी, अब अपने से कोई ताकतवर आदमी को पीट देंगे, पटक कर मार देंगे, खूब जबरदस्त पिटाई उसी कर देंगे, ढिंढोरा गांव में पीटेंगे ना, हम ही पीटे हैं उसको, कौन ढिंढोरा पीटेगा। वैसे इसने क्या किया, कालिंग के राजा खारवेल ने जम की पिटाई की, किन की, पुष्यमित्र शुंग की, तो पूरा ढिंढोरा पिटवाया अपने राज्य में, हमने बड़े एक राजा पुष्यमित्र शुंग को हरवा दिया, और उसके बाद क्या किया, इसने एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम रखा हांथी गुफा, हांथी गुफा अभिलेख, इस अभिलेख में पूरा बढ़िया से वर्णन करवाया कैसे कैसे उनको हम हराए हैं, तो खारवेल का हांथी गुफा यही है। और आगे बढ़ते हैं, पुष्यमित्र शुंग के समय 2 विदेशी आक्रमण हुआ था, एक मिनांडर का था और एक डेमेट्रियस का था, डेमेट्रियस, तो ये था यवन का शासक था, कौन था, डेमेट्रियस, यवन यानी यूनान की तरफ का, इसको हराने की जिम्मेवारी किसको मिला था, अग्निमित्र को। अब यही समझिए,
अब आज वाला टॉपिक यहां से पढ़ाना शुरू करते हैं। अब ध्यान समझिएगा यहां से, डेमेट्रियस अच्छा सुना लिखे ना, डेमेट्रियस। अब इसको ध्यान समझिएगा, यहां से पढ़ाई चालू हो गया है। कल ये पिछले वाला भाग में ये नहीं बताते हम, यौन के शासक ये डेमेट्रियस को हराने की जिम्मेवारी अग्निमित्र को था। अग्निमित्र, अग्निमित्र ने क्या किया डेमेट्रियस। और एक बात आपको पता है कि पहले राजाओं का जीवन का वर्णन कवियों द्वारा किया जाता था। कवि क्या करते थे, राजा की पूरे जीवनी लिखते थे। तो इनके ये अग्निमित्र, अग्निमित्र जब डेमेट्रियस पर आक्रमण किया, डेमेट्रियस जब युद्ध किया, क्योंकि डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था ना, डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था यवन से आकर भारत पर आक्रमण किया था इसके क्षेत्र पर। जब इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था तब कालिदास ही सब लिख रहे थे। कौन थे, कालिदास सब बढ़िया से विस्तार से वर्णन कर, समझिए कालिदास कैमरा लेकर बैठे थे। कैमरा का मतलब अभी वाला कैमरा की बात नहीं कर रहा, देखिए अभी कोई भी चीज शूट करना होता है, मार झगड़ा कहीं पर हुआ है, कैमरा से क्या कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, मार झगड़े के बाद कौन किधर भागा, अगर कैमरा लेकर उसके तरफ दौड़ेंगे तो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, कौन किधर भाग रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही कालिदास सब देख रहे थे कि इन दोनों में लड़ाई हुआ था, जीता कौन, अग्निमित्र जीता, सब विस्तार से लिखे। उधर अग्निमित्र लौट रहा था तो इसको क्या हुआ बीच रास्ते में, अब ये सब बात कौन लिख रहे हैं, कालिदास अब चालू हो गए हैं लिखना, ये कहां से, यहां सब लिखना शुरू कर दिए हैं। डेमेट्रियस इसमें युद्ध हुआ और उसके बाद कैसे कैसे ये आ रहा है अपने राज्य में लौट रहा है, तब तक क्या हुआ बीच में ही कौन मिल गई, मालविका मिल गई, मालविका से इसको प्यार हो गया, किसको, अग्निमित्र को, मालविका से इसको प्यार हो गया अग्निमित्र को। और ये सब बात अब बताइए, कालिदास यहां पर रुक जाए लिखना, नहीं इन्होंने रोका नहीं, ये सब बातें लिख दिए, कहां कहां ये कैसे इससे मिले, कैसे प्यार हुआ, सब चीज बात इसको लिख दिए, समझ लीजिए। और ये 2-3 महीने तक घरे नहीं लौटा, कौन, अग्निमित्र। अब इसके पिताजी ऐसे ही चिंतित है कि ये घर कहीं नहीं लौट रहा है, इसको तो ये कहीं और निकल गया है। सब वर्णन कौन कर रहे हैं, कालिदास, समझ लीजिए, एको बात नहीं छोड़े थे, हर एक बात लिखे थे। मालविका और अग्निमित्र के प्यार के बारे में बहुत अच्छा से वर्णन कौन कर दिए थे, कालिदास, जिसका नाम रख दिया। अब सोचे कि दबा का नाम क्या रखे, पूरा बढ़िया से वर्णन किए। इसको नहीं पता है कि कोई हमारा लिख रहा है जीवनी, अग्निमित्र को कुछ नहीं पता है, अग्निमित्र को पता नहीं है कि हमारा जीवनी कोई लिख रहा है, आई कालिदास लिख रहा है, जिसका नाम क्या रखे, मालविकाग्निमित्रम नाम रखे। उस ग्रंथ का क्या नाम रखे, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, समझ लीजिए। अब यहां से आप कैमरा चालू किए हैं, कैमरा चालू करने का मतलब लिखना शुरू, यहाँ युद्ध से शुरू किए हैं, युद्ध के बाद देखे कि युद्ध जीत गया अग्निमित्र, कैसे कैसे घरे आ रहा है, घरे आने के बाद आने लगा बीच रास्ता में, तब तक जो हुआ ये मालविका और अग्निमित्र के बीच जो प्यार हुआ, ये सब चीज वर्णन कर दिए, एक पूरा डिटेल में वर्णन कौन किया है, कालिदास। उस किताब का क्या नाम रख दिए, मालविकाग्निमित्रम। तो ये मत सोचिए इस समय कैमरा है तो सिर्फ इसी समय रिकॉर्ड होता था, बात उस समय भी रिकॉर्ड होता था, वो तो बढ़िया था कि अभी तक हम लोगों को पता चल गया है, कालिदास पूरा विस्तार से लिख दिया तो अभी तक हम लोगों को पता चल गया कि अच्छा ऐसे ऐसे बात हुआ था, ये हुआ था, समझ लीजिए। कालिदास है, बहुत सारी रचनाएं हैं कालिदास की, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी है कालिदास के बारे में। चलिए समझ में आ गया, मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने किया था, कालिदास। वर्णन किस चीज के बारे में है, ये डेमेट्रियस वाला जो युद्ध हुआ था और यौन के शासक डेमेट्रियस और अग्निमित्र का युद्ध हुआ था वहां से शुरू करके, और जैसे जैसे ये अग्निमित्र और मालविका का प्रेम प्रसंग जो हुआ था, यानी कि प्यार जो हुआ था, ये दोनों के बीच का सब लिखा गया किसमें, मालविकाग्निमित्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या हुआ, ये इनकी इनका फाइल अब निपट गया अपने से, ये बहुत बूढ़े हो चुके थे, पुष्यमित्र सुंग, तो पुष्यमित्र सुंग तो कौन बनेगा, अग्निमित्र राजा बना। अब अग्निमित्र राजा बनने के बाद इसने देखिए, इसके समय भी ठीक ठाक शासन चल रहा था, इसने भी अपना ठीक ठाक बहुत अच्छा शासन चलाया, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अग्निमित्र के बाद सारे शासक कमजोर होने लगे, कमजोर मतलब सब, देखिए कमजोर शासक होते कैसे हैं, देखिए अपने राज काज पर ध्यान न देकर, अपने सैनिक जिम्मेवारियों पर ध्यान न देकर, कर कैसे मिल रहा है न ध्यान देकर, सब अपने ऐसे मौज उड़ाने में लग जाएंगे, सब पैसा उड़ाने में लग जाएंगे, तो क्या होगा, अब राजा को कमजोर तभी माना जाता है कि जब वो मौज करने लगे सब पैसा उड़ाने लगे इधर उधर, तो कमजोर नहीं हो जाएगा, गाड़ी नया खरीद कर 1 साल तक रख दे, कबाड़ी गाड़ी क्या हो जाएगी, कबाड़ा हो जाएगी एकदम गाड़ी, उसको ना चलाइएगा। तो वैसे ही
राजा की वीरता खत्म नहीं हो जाएगा अगर राजा अगर युद्ध ना लड़ेगा, अगर राजा हथियारों से दूर रहेगा तो उसकी वीरता खत्म हो जाएगी। वैसे ही इस वंश के अंतिम राजा, इसको मिटा देते हैं यहीं पर, बताना इसको मिटा देते हैं, ये सब लिख लिया है ना, मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वंश का जो अंतिम राजा था, अब इस वंश का अंतिम राजा, सुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। देवभूति ध्यान रखिएगा, इस वंश का अंतिम राजा देवभूति था। ये वंश की स्थापना कब हुई थी, 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। और ये वंश चला कब तक था, ईसा पूर्व। अब ये वंश चला कब तक था, 75 ईसा पूर्व तक चला था। 75 ईसा पूर्व में क्या हुआ, देवभूति राजा बना, और राजा बनने के बाद ये और एकदम समझ ले निचला लेवल का राजा था एकदम, ये कुछ हुआ नहीं। तो इसी के मंत्री ने क्या किया, आपको पता है जब कमजोर हो जाएंगे ना तो आपके ही, देखिये सावधान अपनों से होना पड़ता है, बाहरी तो पहले ही दिख जाएगा कि आप पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, लेकिन आपके नजदीक वाले नहीं दिखते हैं कि आक्रमण कर रहे हैं हम पर। बाहरी व्यक्तियों से सावधान तो रहना ही होता है, साथ में अपने नजदीक वाले से पहले सावधान रहना होता है, समझिए। रास्ता में कितना भी पत्थर कंकड़ बिछा हुआ उस पर चप्पल या आप कुछ भी पहनकर चल सकते हैं, जूता पहनकर चल सकते हैं, लेकिन उसी में क्या कंकड़ उड़कर आपके पैरों में आ जाए, बस आपके पैर के अंदर आ जाए ये जूता में, एक डेग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और कितना भी पथरीला रास्ता हो अगर पैर में कुछ नहीं है, मान लीजिए जूता के अंदर एक भी कंकड़ वंकड़ कुछ नहीं, तो कितना भी दूर जा सकते हैं, वही कंकड़ उड़कर आ गया जूता में, एक डेग भी नहीं चला जा सकता। इसीलिए सावधान अपनों से होना पड़ता है, ध्यान रखिए। इसके अपने मंत्री, उसका नाम था वासुदेव, वासुदेव, इसने इनका फाइल निपटा दिया 75 ईसा पूर्व में, और वासुदेव ने एक वंश की स्थापना किया जिसका नाम था कौरव वंश। कौरव वंश, इस वंश का देखिए ये छोटा ही वंश था, कौरव वंश की स्थापना किया वासुदेव, कौन था स्थापना किया वासुदेव। ये भी वंश ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक ये वंश चल पाया, बस इतना ही दिन चला। वासुदेव था, और ये ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। ये ब्राह्मण धर्म, ये वैदिक धर्म को मतलब ठीक ठाक मानता था, ये सब भी तो ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे सुंग वंश वाले। और इस वंश के मात्र चार ही राजा हुए, ध्यान रखिएगा, चार राजा, इससे अधिक नहीं हुए। चारों राजा के नाम देख लीजिए, पहला वासुदेव, वासुदेव, दूसरा भूमि मित्र, भूमि मित्र, दूसरा भूमि मित्र हो गया, और उसके बाद नारायण, नारायण और सुशर्मन, 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 ये चार राजा हुए कुल में, वासुदेव, फिर भूमि मित्र, फिर नारायण। और देखिए वासुदेव भी ठीक ठाक ताकतवर था, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भी वही हाल हुआ, ये सब कमजोर राजा हुए। अब देखिए इसमें चार ही हुए, इसीलिए नाम बता दिया जा रहा है, इसमें काहे नहीं नाम बताया बीच वाले राजा का। अग्निमित्र के बाद डायरेक्ट देवभूति का नाम क्या है, देवभूति अंतिम शासक था। अग्निमित्र और देवभूति के बीच में भी, देवभूति और अग्निमित्र दोनों के बीच में बहुत सारे राजा है, लेकिन उनका नाम नहीं आया, कुछ कर्मे नहीं करेगा, नाम कहां से आएगा, नाम उसी का होता है जो कुछ करेगा, आके चुपचाप आकर चले जाएंगे तो कुछ नाम थोड़े होगा, नाम कभी भी होता है कुछ करेंगे तो, आप सही करें गलत करें इससे मतलब नहीं है, लेकिन सही करेंगे तो इज्जत के साथ इतिहास में नाम लिया जाएगा, और गलत करेंगे तो बेइज्जती के साथ नाम लिया जाएगा, बस इतना ही होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये चार राजा थे, अंतिम राजा सुशर्मन था, इनका भी फाइल निपटाया, कौन, सुशर्मन का, सुशर्मन का फाइल निपटा दिया सीमुक, सीमुक, सीमुक। अब कब फाइल निपटाया होगा, 30 ईसा पूर्व में, कब, क्योंकि ये 30 ईसा, 75 से 30 ईसा पूर्व में रहा, तो सुशर्मन कब यहाँ से हटा होगा, 30 ईसा पूर्व में। तो सीमुक ने ये नया वंश का स्थापना किया जिनका नाम है आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन, ऐसे सातवाहन वंश ही नाम है इसका, लेकिन आंध्र, ये आंध्रा की तरफ रहते थे इसीलिए क्या नाम लगा दिया गया, आंध्र सातवाहन वंश। सीमुक इसका संस्थापक था, कब स्थापना हुआ था, 30 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुआ था, ये चला बहुत दिन था, 30 ईसा पूर्व में स्थापना हुआ था। और इनकी जो भाषा थी वो प्रकृत भाषा थी, ध्यान रखिएगा, प्रकृत भाषा, ये प्रकृत भाषा ठीक ठाक चलती थी इनकी, और ये इनकी लिपि थी ब्राह्मणी लिपि थी, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि। ये आप लोगों को थोड़ा मार्कर कम चल रहा है आज, इसीलिए थोड़ा मार्कर चेंज करना है, थोड़ा सा देख कर समझ जाइएगा, हल्का सा मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, थोड़ा वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं।
तो ये ब्राह्मणी लिपि था और ये हाँ आंध्र सातवाहन वंश। तो हमें लगता है इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब एक और बात समझिए, इसके बाद हम लोग सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे और जल्द ही जैसे सातवाहन वंश खत्म होगा उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें लगता है इतना बहुत अच्छा समझ में आप लोगों का आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक नहीं दो क्वेश्चन पूछते हैं। और देखिए दोनों ग्रंथ की रचना इसी इस काल में हुई थी, शुंग वंश के काल में हुई थी। पाणिनि द्वारा रचित एक ग्रंथ का क्या नाम है जो आता है बार बार, वो आता है पाणिनि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बहुत सारे ग्रंथ है पाणिनि द्वारा रचित, लेकिन एक वो नाम बता रहे जो बार बार पूछा जाता है उसी ग्रंथ का नाम। और अष्टाध्यायी किसका रचना है? अष्टाध्यायी का रचना किसने किया था? अष्टाध्यायी का रचना किसने किया था? और पाणिनि द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम बताना है। और तीसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हुआ ना, पहला बात अष्टाध्यायी किसकी रचना है, दूसरे पाणिनि द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम बताना है, तीसरा ये जो पुष्यमित्र शुंग था इसके पुरोहित कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाया था ना, यानी पंडित जी उसमें कौन थे, दोनों अश्वमेध यज्ञ के पंडित कौन थे, ये आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और एक और बात समझिए, वो जो मॉडल सेटम भेजे हैं जल्दी उसका आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, उसका आंसर लिखकर आप लोग जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आंसर लिखकर जल्द से जल्द आप लोग भेजिए। ध्यान रखिएगा, हमें लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।